ये योजना ना तो देश की फौज के हित में है, ना देश हित में है, ना देश के नौजवान के हित में। मैं सवाल पूछना चाहता हूँ, इस योजना को लाने की मांग कहाँ से उठी? ना तो देश का नौजवान मांग कर रहा था, ना देश का फौजी मांग कर रहा था। ये राजनीतिक फैसला क्यों लिया गया? फौज में ऐसी क्या कमी थी? ये बजट ऐसा दिखाई दे रहा था कि राजनीतिक भाषणबाजी ज़्यादा दिखाई दी, अपनी पीठ को थपथपाते हुए ज़्यादा दिखाई दिए। कोई राहत आपको आप बताएं, कोई राहत दी गई हो, कोई महंगाई को कम करने की, कोई बेरोजगारी को दूर करने की, कोई भी वर्ग आंदोलित किसी को अगर राहत दी गई हो आप बताएं, किसी को राहत नहीं दी गई। केवल ये भाजपा सरकार के जो है को अपने खुद की मियां मिट्ठू बनकर खुद के कार्यों को महिमा मंडन करने का, जिस प्रकार से राष्ट्रपति अभिभाषण का प्रयोग सरकार द्वारा उस रूप में किया गया, उसी रूप तरीके से मैं समझता हूँ ये तो चुनावी भाषण हमें ज़्यादा लगा। ये योजना ना तो देश की फौज के हित में है, ना देश हित में है, ना देश के नौजवान के हित में। मैं सवाल पूछना चाहता हूँ, इस योजना को लाने की मांग कहाँ से उठी? ना तो देश का नौजवान मांग कर रहा था, ना देश का फौजी मांग कर रहा था। ये राजनीतिक फैसला क्यों लिया गया? फौज में ऐसी क्या कमी थी? वही फौज है जिसने अपने गौरवशाली इतिहास में 1971 में पाकिस्तान के दो टुकड़े करने का काम किया तो इस पक्की भर्ती के द्वारा बनाई गई इस फौज में किया था। जिसने कारगिल के युद्ध में पाकिस्तान के शीर्ष को झुकाने का काम किया तो इसी फौज ने किया था। बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक की बात आई तो ये फौज सामने आई, सरकारें आई गई, कोई भी फौज थी, मगर कोई भी सरकार रही हो, लेकिन देश की फौज ने हमेशा हिंदुस्तान के तिरंगे को ऊपर उठाए रखने का काम किया। इस पर गर्व था हमें, एक ऐसी संस्था थी जिस पर हमें गर्व था। उस फौज को और फौज की भर्ती को रातों रात उसमें परिवर्तित, कच्ची भर्ती अग्निपथ योजना पर अग्निवीर में परिवर्तित क्यों किया गया, ये सही नहीं है। इसके साथ जो लगभग लाखों की संख्या में ऐसे चयनित अभ्यर्थी हैं जो 2019 से 22 तक जो पक्की भर्ती जिनकी हो गई थी उनको ज्वाइनिंग भी नहीं दी गई, जो आज यहाँ पर प्रसंग की संख्या में आपके बीच में यहाँ पर आंदोलित हैं, तो इन सबको ज्वाइनिंग मिले फौज में और अग्निपथ योजना पे पूर्ण विचार हो, दोबारा से पक्की भर्ती शुरू की जाए देश की फौज के हित में, देश के नौजवानों के हित में। सर आज बजट पेश हुआ है, उसको लेके आप क्या कहेंगे? ये तो बजट तो इंटरिम बजट, लेकिन ये बजट ऐसा दिखाई दे रहा था कि राजनीतिक भाषणबाजी ज़्यादा दिखाई दी, अपनी पीठ को थपथपाते हुए ज़्यादा दिखाई दिए। कोई राहत आपको आप बताएं, कोई राहत दी गई हो, कोई महंगाई को कम करने की, कोई बेरोजगारी को दूर करने की, कोई किसी बड़े वर्ग को, किसान को, गरीब को, छोटे व्यापारी को कोई राहत दी गई हो, कोई अग्निपथ योजना को वापस लेने का कोई घोषित किया गया हो, कोई भी वर्ग आंदोलित किसी को अगर राहत दी गई हो आप बताएं, किसी को राहत नहीं दी गई। केवल ये भाजपा सरकार के जो है को अपने खुद की मियां मिट्ठू बनकर खुद के कार्यों को महिमा मंडन करने का, जिस प्रकार से राष्ट्रपति अभिभाषण का प्रयोग सरकार द्वारा उस रूप में किया गया, उसी रूप तरीके से मैं समझता हूँ ये तो चुनावी भाषण हमें ज़्यादा लगा। ईवीएम पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, ईवीएम को लेकर क्या कहिए? कल भी बड़ा प्रोटेस्ट यही जंतर मंतर। देखिए अभी आज जो विषय है वो हमारा यही विषय है और इसी पे हमने अपनी बात कही। थैंक यू सर। आज का प्रोग्राम हम अभी समाप्त कर रहे हैं और जैसे कि हमारी प्रथा है, आप भारी सैनिक को, हम सैनिक हैं और देशभक्त हैं, तो हम अपना कोई भी प्रोग्राम भी दोनों चीज राष्ट्रगान से करते हैं। तो राष्ट्रगान हम गाएंगे, शुरू करेंगे।